कौन करता है? पुलिस करती है कि कानून के एग्जीक्यूट हम लोग करते हैं ना। जैसे मान लो कि गेम हो रहा है क्रिकेट का, तो कौन आउट हुआ, कौन आउट लेगा, कौन बताता है? एम्पायर बोलता है। तो वो क्या होता है, पुलिस का वॉच डॉग देखते रहते हैं कौन कानून तोड़ा, बस कार्रवाई करो इनके ऊपर, इनको बंद करो, इनको गिरफ्तार करो, बोलते हैं। तो ये भी क्या जो रूल ऑफ लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, कानून का राज स्थापित करने का काम, जिसका बहुत सारे लोग पैसा कमा लेते हैं या बहुत सारा लोगों से कॉन्टेक्ट करते हैं, उनको लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उनको जिस दिन वो फंसते हैं कानून की सजा में, तो उनको समझ आ जाता है कि पैसा तो किसी काम का नहीं है, हमें कानून का पालन करना चाहिए था। ठीक है, समझ गए क्या बनना चाहते हो? सीआईडी पुलिस ही रहती है। ठीक है, तो सीआईडी बनने के पहले तुम्हें पुलिस बनना पड़ेगा, और पुलिस में आने के लिए अगर तुम खुद कानून का, अगर तुम पुलिस बनना चाहते हो तो पुलिस में तुम्हें तो कानून का पालन कराना है लोगों से। जब तुम अगर खुद पालन नहीं कर रहे हो तो कभी कानून का पालन करा पाओगे क्या? नहीं। समझ गए? तो जो तुम बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो या जो भी गड़बड़ कर रहे हो ना, ये पूर्णतः बंद कर दो। नहीं तो अगर किसी के खिलाफ अगर एक FIR हो जाती है ना, तो कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं आ सकता। अगर एक बार FIR हो गई तुम्हारे खिलाफ ना, तो जो जिसको बोलते क्लास 4th एम्प्लॉई चपरासी है, ये वो भी नहीं बन पाते लोग। प्लस पासपोर्ट नहीं बन पाएगा तुम्हारा, प्लस ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा। तुम कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जहाँ कर, जहाँ पब्लिक आती है, जैसे कानून का राज स्थापित करना, ठीक है, जैसे लोकतंत्र है हमारे यहाँ, डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर कौन होता है? पुलिस होता है कि कोई चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि होता है या कोर्ट होता है, कौन होता है सबसे ऊपर? लोकतंत्र में सबसे ऊपर होता है कानून। ठीक है, उसे बोलते हैं कानून का राज यहाँ पर है। कानून का राज मतलब कितने भी ऊंचे उठ जाओ लेकिन कानून के नीचे रहोगे। समझ गए? तो ये कानून कौन तोड़ रहा है, कौन कानून के दायरे में काम कर रहा है, कौन डिसाइड करता है? पुलिस नहीं, जैसे मतलब कानून तोड़ दिया यहाँ